गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉलीपॉप एसएसटी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं और आपकी नाराजगी एकदम जायज है कि सर क्लास 7 बजे होती थी, आप 2-3 दिन से लगातार इसको लेट क्यों ले रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रोज रोज बताना भी अच्छा नहीं लगता कि रोज मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करूं कि मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से जब मैं सुबह सो के उठता हूं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ज्यादा का मतलब ये इतनी ज्यादा होती है कि मैं लैपटॉप पे तुरंत काम नहीं कर सकता। और आपको पता है कि अगर मैं सुबह कितना भी जल्दी उठूंगा आपका करंट अफेयर्स बनाने के लिए, मुझे 6 बजे तो मिनिमम उठना ही पड़ेगा अगर मुझे 7 बजे क्लास लेनी है। तो ऐसी स्थिति में 6 बजे से उठकर 7 बजे सीधे लैपटॉप के सामने आना मेरी आंख को बहुत नुकसानदायक होता है। और यही एक वजह रही कि जो इलाज मेरा 15 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था वो अभी महीनों चल रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है कुछ एक आध दिन और ऐसा रहेगा फिर ये क्लास अपने आप टाइम पर आने लगेगी। जब तक मैंने यहाँ पर मेरे पास समय है तो मैं थोड़ा सा लेट ले रहा हूँ क्लास, बट मैं क्लास लूंगा, क्योंकि अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, टाइम का थोड़ा सा एडजस्ट करिए। मैं समझता हूँ कि टाइम पर क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और छुट्टी लेना भी जरूरी, मतलब छुट्टी भी नहीं ले सकते तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे दिमाग में चलती हैं, तो मैंने बीच का एक रास्ता निकाल रखा है कि भाई थोड़ा सा डिले कर देते हैं जब तक मेरी आंख आराम से डेवलप हो जाती है। आप लेविटर मसल्स जानते हैं, लेविटर मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ओपन योर लिड, यानी कि जो आपका आईलिड होता है उसको ओपन करने के लिए लेविटर मसल्स की आवश्यकता होती है। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करती है तो आप अपनी पलक को जितना चाहे उतना खोल सकते हैं और जितना चाहे उतना बंद कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो एक पर्टिकुलर जगह पर स्टॉप कर सकते हैं। मेरी राइट आई में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं अपने लेविटर मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा आई, अगर मैंने ज्यादा ताकत लगाई तो वो पूरा ओपन होने की कोशिश करता है, मतलब वो ज्यादा ऊपर जाता है तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, नीचे करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ज्यादा ही नीचे हो जाता है, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। और सुबह ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जैसे जैसे दिन बीतता है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सही हो जाती है। तो आई थिंक आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकेंगे, मेरी मजबूरी को समझ सकेंगे और मेरे साथ जो है वो बने रहेंगे, क्योंकि तैयारी करने में उतना ही टाइम लगता है, लैपटॉप के ऊपर उतना ही टाइम जाता है, स्क्रीन के ऊपर उतना ही टाइम जाता है, वो थोड़ा सा नुकसानदेह है। और मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं जावाज हूँ ना, मतलब मन करता है यार क्या करेंगे यार, मतलब हो ही नहीं पाता, बैठे बैठे काम ही नहीं चलता। तो फिलहाल माफी चाहूंगा एक बार फिर से आप सभी से, बहुत बहुत माफी चाहूंगा कि आपका टाइम मैं थोड़ा सा खराब करता हूँ, ऊपर नीचे करता हूँ क्लास को, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है। मैं अपने मन से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ सुबह, वो आप ऐसा समझ लो। तो फिलहाल चलिए रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कि कभी भी क्लास होती है, कभी भी लेट हो रही है, पहले हो रही है, आपको जानकारी यहाँ पर जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको जरूर यहाँ पर बता देगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो इसके अलावा आज की हमारी हेडलाइंस कुछ इस तरीके से रही हैं कि 16 दिसंबर 2021 को हमने मनाया विजय दिवस, कल मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, और पहली बार नासा के एक अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच कर लिया है, अपने आप में एक बड़ी बात। म्यांमार ने आधिकारिक तौर पर टेदर क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार किया। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुई कोलकाता की दुर्गा पूजा। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना माल्टा, मतलब भांग खानी है तो माल्टा निकल जाओ। यूनियन कैबिनेट ने भारत और पोलैंड के बीच के एक संधि को मंजूरी दी। डॉक्टर शशि थरूर की पुस्तक प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित्री द एसेंशियल शशि थरूर चर्चा में लॉन्च हुई। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगा। उत्तराखंड के बिनसर अभ्यारण को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। सरकार ने गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। सेनाध्यक्ष नरवाने ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का के प्रमुख के रूप में कार्यभार। ध्यान रखिएगा, यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, यह है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो कुछ वेबसाइट जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोले दे रही हैं, भाई उनसे सावधान रहिएगा, यह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। और अब बारी है प्रीवियस डे रिविजन करने की। प्रीवियस डे में सबसे पहला, किस देश ने उपग्रहों के एक नए समूह सिजियान 6 जीरो 5 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो यही है चाइना। थोड़ा सा रहस्यमयी उपग्रह लॉन्च था ये।
नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? डेविड वार्नर और हैली मैथ्यू। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से हैं, हैली मैथ्यू वेस्ट इंडीज से हैं। 14 दिसंबर 2021 को पहला एफएम रेडियो स्टेशन, किस राज्य का पहला एफएम रेडियो स्टेशन उसको मिल गया है? तो वह लद्दाख में लेह में उसे एफएम रेडियो स्टेशन मिला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह है उड़ीसा। प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किसे प्रदान किया गया है? यह है सुनील गावस्कर। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह है आपका बिहार का मिथिला मखाना पाया जीआई टैग। सर काफी सालों बाद आपके दर्शन हुए हैं। अरे नहीं भाई, आप ही हमें अक्षय जी आप ही हमें मतलब वो नहीं भाव नहीं दे रहे थे, हम तो रोज यहां आते हैं। संस्मरण, राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किसने किया है? इस संस्मरण का विमोचन किया है वेंकैया नायडू ने। यह पुस्तक राहुल रवल द्वारा लिखी गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग तान्या तान्या, सिन्वी मिश्रा, मनाली, वेरी गुड, प्लीज लाइक एंड शेयर। मनाली, बड़े दिन बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनपीसीआई ने डोर स्टेप बुल भुगतान सेवा का निर्णय लिया है। एनपीसीआई ने मिलकर के अब डाकिया केवल डाक नहीं लाएगा, आपके बिलों का भुगतान भी करेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाला राज्य कौन सा रहा? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ईपीएफओ द्वारा सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना है, प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र जो है इसमें टॉप पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहां किया है? राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बारी है आज के करेंट अफेयर्स की। आज के करेंट अफेयर्स सबसे पहली जानकारी, भारत में विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अचानक से 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश की जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए पाकिस्तान अपनी सेना भेजता है, भारत उसमें बांग्लादेश को बचाने के लिए कूदता है और आखिरकार ये युद्ध होता है। युद्ध में 16 दिसंबर सन 1971 को एक ऐतिहासिक घटना घटती है जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल NAKKA नियाजी खान को अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ता है बांग्लादेश में, और इसी तरीके से बांग्लादेश का जन्म होता है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और ये हमारे देश में एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में दर्ज है। इसीलिए 16 दिसंबर को हर साल हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 2021 में हम 50वां विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन हम उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने युद्ध में देश की रक्षा की थी। इसके अलावा अगर आप डिफेंस का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज मैं आपको क्लियर पॉइंट में बताने वाला हूं डिफेंस से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डेट। जो कोई भी डिफेंस में एग्जाम देने जा रहे हो, आप CDS, NDA कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी डे ये हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी को ही देश के पहले आर्मी चीफ, 15 जनवरी 1949 को ही देश के पहले आर्मी, भारतीय आर्मी चीफ के एम करियप्पा का पूरा नाम आपको पता है क्या? किसी को पता है के एम करियप्पा का पूरा नाम किसी को पता है? तो इनका नाम था को डेंडरा मडप्पा करियप्पा। ले आप चाहें तो मैं लिख देता हूं, को डंडेरा मडप्पा करियप्पा इनका पूरा नाम था के एम करियप्पा। आर्मी का हमारा मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये हमारा आर्मी भारतीय सेना का मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ। वर्तमान समय में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? MM नरवाने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस समय है MM नरवाने। इंडियन एयरफोर्स डे की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही रॉयल एयरफोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना का जन्म हुआ था। इसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी कि गर्व के साथ आकाश को छुओ, टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। राइटिंग समझ में आ रही है? थोड़ी सी आपको आनी भी चाहिए, नहीं आ रही है तो काम इसी से चलाना पड़ेगा, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। वर्तमान समय में इसके जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाए गए हैं वो है वी आर चौधरी, मतलब विवेक राम चौधरी। राकेश सिंह भदौरिया अभी हाल ही में 30 सितंबर को रिटायर हुए। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को
भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मोटो है सम नो वरुणा। सम नो वरुणा मतलब कि जो जल देव हैं वो हमारे ऊपर आशीष प्रदान करें, सागर के देव हमारे ऊपर आशीष प्रदान करें। इसके जो हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ने एडमिरल करमवीर सिंह जी की जगह ली है जो कि 30 नवंबर को रिटायर हुए। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तट रक्षक दिवस, ये मनाया जाता है 1 फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को ही इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो मोटो है वो है वी प्रोटेक्ट, यानी कि हम सुरक्षा करते हैं, हम रक्षा करते हैं। इसके वर्तमान समय में हेड है कृष्णा स्वामी नटराजन। इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। इसके वर्तमान समय में हेड है कृष्णा स्वामी नटराजन। नेशनल कैडेट कोर डे यानी कि एनसीसी डे, नेशनल कैडेट कोर डे हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई। ये सारे डे जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर याद होने चाहिए। 15 जुलाई 1948 को इसका गठन किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इसके हेड हैं। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। जिन्होंने एनसीसी की ट्रेनिंग की होगी उनको जरूर पता होगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है, यानी कि एकता और अनुशासन। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल हैं। मिलिट्री नर्सिंग डे महिलाओं के लिए सबसे पहले सेना के दरवाजे इसी कोर के जरिए खुले थे 1 अक्टूबर 1936, और इसका मोटो है सर्विस विद ए स्माइल। ये किसका मोटो है? मिलिट्री नर्सिंग डे का। इसके अलावा आर्म फोर्स फ्लैग डे, ये दिवस भारतीय सेनाओं के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना को जो लोग दान देना चाहते हैं वो दे सके, और इसे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इसे आप सेना झंडा दिवस भी कह सकते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय हासिल हुई थी, और इसी वजह से यहां पर 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस 1971 की याद में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कारगिल विजय दिवस के दौरान, मुझे लगता है कि आप में से सब लोग थे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 1999 के बाद वाला है क्या कोई 1999 के बाद वाला? कारगिल विजय दिवस के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? कारगिल विजय दिवस के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? मैं आपके कमेंट लेना चाहूंगा। वीडियो को थोड़ा सा और शेयर करिए, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको दूंगा। कारगिल सेना जब दिवस मनाया गया था, यानी कि कारगिल विजय दिवस के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान, भारतीय सेना के अध्यक्ष थे वेद प्रकाश मलिक, यानी वीपी मलिक। भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? वेद प्रकाश मलिक। ये कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। ठीक है, छोटे थे? अच्छा, तुम लोग बड़े छोटे थे। ठीक है। सर विराट कोहली क्यों रो रहा है? कौन विराट कोहली रो रहा है भाई? ठीक है, अटल बिहारी जी। अच्छा, तुम लोग 2 साल के थे, चल झूठे, ये सब मार्कशीट वाली बता रहे हो। वेद प्रकाश मलिक की एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कारगिल। वेद प्रकाश मलिक की पुस्तक है, इस पुस्तक को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कारगिल, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, इतना सब बताया, इस वजह से आपको याद रहेगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। वेद प्रकाश मलिक तत्कालीन सेना अध्यक्ष थे, उनकी एक पुस्तक है कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। ये पुस्तक बताने के लिए मैंने इतना नौटंकी किया। ठीक है, मेरा कमेंट इग्नोर करते हैं, नेवर एवर बैक डाउन। नाम ऐसा रखोगे तो फिर कैसे इग्नोर करेंगे भाई, कमेंट पढ़ता ही नहीं हूं मैं करंट अफेयर्स में। इस अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यान ने सूर्य को पहली बार छुआ है। सूर्य को छूने की दम तो किसी के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ, सूर्य का सबसे बाहरी आवरण जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, जो मीलों दूर तक हमें दिखता है, इवन मैं ये कहूं कि हम जो गर्मी एहसास करते हैं वो भी कोरोना का ही एक पार्ट है, इसको टच किया है नासा के पार्कर प्रोब ने। नाम याद रखिएगा, नासा का पार्कर प्रोब। ये एक अंतरिक्ष यान है जो लगभग 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ये 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की तरफ जाता है, और 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। मतलब इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, एक कबड्डी 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 छुआ है और भागाया। तो ये पार्कर प्रोब जो है ये 2018 में लॉन्च किया गया था। अब आप समझिए 3 साल बाद ये सूर्य के पास पहुंचा है, और इसको इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि ये सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है। वैसे इसने अप्रैल में ही छू लिया था, लेकिन
नासा ने आंकड़ों के बाद पुष्टि की है कि हाँ, इसने वाकई सूर्य के कोरोना को टच किया है। नाम याद रखेगा, पार्कर प्रोब। नासा वर्तमान समय में बिल नेल्सन जो है वो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि वहां पर हेड हैं। एक्टिंग चीफ ऑफ नासा के रूप में भव्यालाल को अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब वो एक्टिंग चीफ ऑफ नासा के रूप में कार्य नहीं कर रही है। तो फिलहाल नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर 16 प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार अंतरिक्ष यान ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना के मध्य से उड़ान भरी और यह चुंबकीय क्षेत्र और कणों का नमूना ले आया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पार्कर 16 प्रोब ने 28 अप्रैल को ही यह उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन उन्होंने आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद ही इसकी पुष्टि की है। प्रोब अब सूर्य का चक्कर लगा रही है और रास्ते में नई खोज कर रही है। पार्कर प्रोब अंतरिक्ष यान 2018 में सूर्य के बार बार और करीब से गुजरने लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। गर्मी के नुकसान से बचने के लिए यह 5,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक से गति से यात्रा करता है और इसकी मैक्सिमम गति वो है 6,90,000 किलोमीटर। बाप रे, आई थिंक ये जो है ये आपका 0.64% है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हम थोड़ा ही दूर रह गए हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो 6,90,000 किलोमीटर, जी बिल्कुल, नेवर एवर बैक डाउन मैं आपका लूंगा भाई। 10 बजे से क्लास चल रही है, बैक डाउन की बात, नेवर एवर बैक डाउन। क्लास के अंत में मैं आपका कमेंट लूंगा, आपको क्लास के अंत तक रुकना होगा, इतना तो कर ही सकते हैं। बस मुझे पढ़ा लेने दीजिए जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आपके कमेंट लेता हूं तो मेरे पॉइंट स्किप हो जाते हैं कि मुझे क्या क्या बताना था, वो बहुत गलत चीज हो जाएगी भाई। मैं मेहनत करके आया, पढ़ के आया, अपडेट होके आया और आपको वो पॉइंट ही ना बता पाऊं जो मुझे बताना था, तो क्या फायदा है ना। तो आप मुझ पर दया दिखाएं, थोड़ा सा रखें, ठीक है। हाँ देखो लिखा है, अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। सूर्य के बारे में जान लीजिए, पृथ्वी के बारे में तो आप बहुत ही ज्यादा जानते हैं। तो सूर्य में जो सबसे अंदर की सतह है, दैट इज कोर, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसके ऊपर आएंगे रेडिएशन जोन, फिर उसके बाद आपका कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन के बाद रेडिएशन भी है कन्वेक्शन भी है, देखिए। फिर उसके बाद आएगा आपका क्रोमोस्फियर, ये ऑरेंज लेयर होता है एटमॉस्फियर का, 1,000 miles थिक होता है। फिर उसके बाद फोटोस्फियर, तो जो सूर्य की लेयर हम देख पाते हैं वो फोटोस्फियर है और उसके चारों ओर जो रेडिएशन का आवरण होता है दैट इज कॉल्ड कोरोना। यानी उसने सूर्य की सतह का तो बिल्कुल भी टच नहीं किया है, वो बार बार छू के टच कर रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो कोर का टेम्परेचर सबसे अधिक है, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अभी हाल ही में चाइना के ईस्ट नाम के एक न्यूक्लियर रिएक्टर ने 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 101 सेकंड तक होल्ड किया था। रेडिएशन जोन का टेम्परेचर जो है वो 2 करोड़ से लेकर 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कन्वेक्शन जोन का भी टेम्परेचर लगभग इतना ही है, लेकिन हाँ फिर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा मतलब बहुत कम हो जाता है, ये 4,125 डिग्री सेंटीग्रेड और 19,725 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आप कोरोना पे आते हैं तो वायुमंडल के दबाव के कारण इसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है और ये 5,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 60,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां पर है। तो कौन सा प्रोब जो है जो वहां पर चल रहा है, जी ये जो है ये आपका हो रहा है पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नासा ने लॉन्च किया है, नासा के वर्तमान समय में प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन। किस देश ने टेदर नाम की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को उपयोग की अनुमति दे दी है? सर ये सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी क्यों आप कह रहे हैं, मतलब क्या, मतलब इसका मूल्य सबसे ज्यादा है? जी नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इसलिए है क्योंकि इसको ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल का मतलब यह है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका मूल्य डॉलर के मूल्य के आसपास ही रहेगा। अब इसको किस देश ने अनुमति दे दी है और क्यों अनुमति दे दी, ये प्रश्न आपके मन में आएगा, मेरे मन में भी आया था। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो पता चला ये म्यांमार ने किया है। मैंने कहा ये तो अपना पड़ोसी है, ये क्यों कर रहा है भाई टेदर नाम की मुद्रा को। फिर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में गया, मुझे नजर आया अच्छा वहां मिंग आंग हालियांग जो है, मिंग आंग हालियांग हिलते हिलते उन्होंने आंग सान सू की को हटा दिया और सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो मिलिट्री जहां पे सत्ता पे कब्जा की हुई है उस मिलिट्री को म्यांमार में एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। क्या आप जानते हैं उस मिलिट्री का नाम क्या है? उस मिलिट्री का नाम है जुंटा, 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 नाम सुनने में बड़ा प्यारा सा लगता है। तो जुंटा ने जब वहां पर कब्जा किया तो इसके विरोध में वहां पर बहुत सारे बैंक, बहुत सारे जो सरकारी ऑफिसर्स थे वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने क्या किया, अपना अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं जिसके जरिए म्यांमार को फंडिंग मिल सकती थी उन्होंने उसको रोक दिया। लेकिन मिंग आंग हलियांग और ज्यादा दिमागदार, उन्होंने कहा तुमने इसकी फंडिंग रोक दी कोई बात नहीं,
हम म्यांमार करेंसी में फंडिंग लेंगे ही नहीं, हम अपनी ही एक नई मुद्रा लेकर के आएंगे। और उन्होंने अपना लिया है टेदर। टेदर को विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा इसलिए कहा जाता है कि आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, जिसके मूल्य अचानक से बढ़ते नहीं है, अचानक से गिरते नहीं है, और वी कैन सी दैट कि ये लीगल टेंडर की तरह ही बिहेव कर रही है, दैट इज टेदर। टेदर जो है ये एर्थेनियम ब्लॉकचेन पर आधारित है, याद रखिएगा, एर्थेनियम ब्लॉकचेन पर आधारित है। एथेरियम जो है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी सिस्टम में होता है वो एक सिस्टम पे ना स्टोर हो करके, एक सर्वर पे स्टोर ना हो करके सभी नोड पर अपडेट होता है। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को हैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को इसके सर्वर को हैक करना है या पूरी टेक्नोलॉजी को हैक करना है तो उसे जितने भी कंप्यूटर उस नोड से जुड़े होंगे उन सभी कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत कठिन टास्क है। दूसरा, इस तरह की क्रिप्टो करेंसी अक्सर मार्केट में काफी प्रचलित होती है, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी नियमन नहीं होता, कोई भी सेंट्रल बैंक इसको नियमित नहीं कर रहा होता। जब कोई भी सेंट्रल बैंक इसको नियमित नहीं कर रहा होता तो कोई ये जान ही नहीं पाता कि कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है और कितना ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। ऐसी दशा में क्या होता है, लोग अपना काला धन सफेद कर लेते हैं, सफेद धन काला कर लेते हैं। यानी अगर मुझे मान लीजिए यूरोप में किसी को पैसे भेजना है तो मैं बिटकॉइन में भेज दूंगा, मेरे पास है नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं भेज दूंगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने किसी को पैसे भेजे, बिटकॉइन वाला जाके वहां पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें समझनी है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है टेदर, ये किसने अपना ली है, म्यांमार ने अपना लिया। क्यों अपना लिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां की फंडिंग रुक रही थी, तो वहां की जो अभी निर्वासित टाइप की सरकार है, मतलब एक शैडो गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है, एक्चुअल गवर्नमेंट वहां पे काम नहीं कर रही है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। तो ऐसी दशा में हो क्या रहा है, ऐसी दशा में हो ये रहा है कि जो भी फंडिंग के लिए जरूरत पड़े तो उन्होंने टेदर को अपना लिया। फिलहाल टेदर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एथेरियम पे काम कर रही है, म्यांमार ने अपना लिया। अब मैं आपको बताता हूं म्यांमार के बारे में। म्यांमार अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है 4 जुलाई 1948 को। नेशनल एनिमल म्यांमार का है टाइगर, ग्रे पीकॉक, पीजन जो है ये नेशनल बर्ड है, जिसे आप पीतर भी कह सकते हैं। नेशनल फ्रूट जो है पदॉक है, अब पदॉक पता नहीं मैंने तो कभी खाया नहीं, होता होगा कुछ। नेशनल ट्री जो है वो ग्रीन पीफाउल है। फेमस फेस्टिवल थिंगयान, कासोन और नायोन है। प्राइम मिनिस्टर वर्तमान समय में मिंग आंग हेलियांग है, अपने मन से बन गए हैं ये, इनको बनाया नहीं है किसी ने। एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्तमान समय में मिंग सुई है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 440 है। 2-3 साल पहले SSC को भूत चढ़ा था कि अगल बगल के पड़ोसी देशों के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ रहे थे, तो मैंने तब ये स्लाइड प्रिपेयर की थी, तो आप याद रखो, पता नहीं फिर अगर भूत चढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। नेशनल लैंग्वेज जो है वो बर्मीज है, यानी बर्मा। 14 प्रोविंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 7 स्टेट है, 7 स्टेट में 14 प्रोविंस है। जो करेंसी चल रही है वो क्या है, नेशनल गेम जो है वो है चिनलोन या केन बॉल जो है वो नेशनल गेम है। हाइएस्ट पीक की बात की जाए तो माउंट काकाबो, काकाबो जो है वो हाईएस्ट पीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इरावदी नदी है। राजधानी जो है वो न्यापिडा है, राजधानी यानी कि कैपिटल जो है वो आपकी न्यापिडा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। CHSL में इनपुट आउटपुट पदल आता है, नहीं, CHSL में इनपुट आउटपुट पदल नहीं आता है। वीडियो को एक बार शेयर कर रहा हो, करेंट अफेयर्स के टाइम करेंट अफेयर्स पढ़ा करो, रीजनिंग के टाइम पर रीजनिंग पढ़ा करो, तुम लोग सब उल्टा पुल्टा कर देते हो, पढ़ना है नहीं, दुनिया भर के ख्याल। और इतना बढ़िया बढ़िया चीज बता दी म्यांमार के बारे में, अब आगे अभी मैं स्लाइड हटा दूं तो जरा ध्यान से बता। अच्छा चलो मैंने स्लाइड हटा दिया, अब बता दो मुझे कि म्यांमार का नेशनल गेम क्या है, अभी बताया, क्या फायदा ऐसा पढ़ने से। यहां आदमी पागलों की तरह बके जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है, तुम लोग अपने में लगे हो, रीजनिंग में ये आता है, रीजनिंग में वो आता है। बताओ म्यांमार का नेशनल गेम क्या है, बताओ बताओ। नहीं अब रुक ही जाएंगे हम, आज पढ़ाई लें तुम लोगों ढंग से, मजाक बना के रखे हो। देखो केन बॉल याद है, चिनलोन नहीं याद है, केन बॉल बोला जाता है, चिनलोन उसका असली नाम है ना। और कितने खिलाड़ी खेलते हैं इसमें, 6 खिलाड़ी खेलते हैं, एक ही टीम होती है, आपस में खेल लेते हैं, इसमें कोई जीत हार होती नहीं है। मतलब ये कैसा गेम हुआ, बॉल मारो बस, छोटे छोटे बच्चे नहीं गेंद उछाल गुब्बारा उछाल उछाल खेलते हैं, वैसे ही ये खेला जाता है, ठीक है। सर शेड्स कब से पहनना शुरू करेंगे, करिए सर शेड्स कब से पहनना शुरू करिए, मतलब कुछ भी पूछते हैं यार, ऐसा पूछ देते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग लगानी पड़ जाती है। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुई, ये क्या होती है। देखिए यूनेस्को क्या है, यूनेस्को काम है,
यूनेस्को का फुल फॉर्म भी अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस से जुड़ी हुई कोई चीज, कल्चर से जुड़ी हुई कोई चीज, एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई चीज, उसको प्रमाणित करना, उसको आगे लेकर के आना यूनेस्को का काम है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? अब सब हम ही बताएं, इतने बार बताया है पेरिस फ्रांस में है। हेड कौन है? आद्रिया जूले। अभी हाल ही में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल किया है? श्रीनगर शामिल किया। यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कर लिया। गजब पूजा होती है कोलकाता में, मैंने देखी नहीं है कभी लेकिन फोटो वगैरह देखी है। यूनेस्को ने घोषणा की कोलकाता में दुर्गा पूजा की एजेंसी को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाल दिया गया है। 13 से 18 दिसंबर तक हो रही यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की वार्षिक सम्मेलन 16वां सत्र कहां पर हो रहा है? वेनेजुएला में। अंतर सरकारी समिति की बैठक कहां पर हो रही है? वेनेजुएला में हो रही है। पनामा कॉमन सिटी भी छोड़ा इसमें, पनामा के कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव को भी जोड़ा गया है। कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल ऑफ पनामा भी इसमें जोड़ा गया है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट की बात की जाए तो भारत में 32, 7, 39 और 41 हेरिटेज साइट है। इसमें दो नहीं है क्या? नहीं, 40 ही है। 2021 वाली भी ऐड हो जानी चाहिए भाई इसमें। हाँ ठीक है, यह है 40 ही है। 32 जो है वो कल्चरल साइट है, वो सारी लिखी हुई है। 7 नेचुरल साइट है, वो लिखी हुई है। और 1 आपकी मिक्स साइट है, वो लिखी हुई है। अभी हाल ही में पूछा गया था कि कौन सी मिक्स साइट का दर्जा है, किसको मिक्स साइट का दर्जा दिया गया था, उसमें उसमें कुछ नेचुरल डाल दी गई थी कुछ है। तो ये देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये मिक्स्ड है। बाकी नेचुरल में देखा जाए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, केवला देव, मानस, नंदा देवी, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पहली यूनेस्को साइट का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था आगरा फोर्ट को, अजंता और एलोरा केव को 1983 में। बाकी सब इसके बाद ही आए हैं, ये याद रखिएगा। वर्तमान समय में अभी हाल ही में 2021 में किसको प्राप्त हुआ? काकतीया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना को। इसके अलावा धौलावीरा भी कहीं होना चाहिए, धौलावीरा हड़प्पन सिटी गुजरात को। ये अभी हाल ही में आपके एज ए हेरिटेज साइट के रूप में जोड़े गए हैं। इनको याद रखिएगा, एक पूरी लिस्ट है, एक बार जरूर पढ़ लेना। खासकर ये पढ़ लेना कि ये कहां पर है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रानी की वाव कहां पर है। अब रानी की वाव कहां पर है? दिख रहा है यहीं पर लिखा हुआ है रानी की वाव। देखो यहां पर ये डाल लेना 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 20 और 12, तो ये 32 हो गए यहां पे, है ना। ये डेट नंबर यहां पे गड़बड़ पड़ गया है, 21, 22, 23 कर लेना पूरा। तो रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये भी महोबोधि, महाबोधि टेम्पल, ये आपका कहां पर है? बोध गया में। तो ये कहां पर है इनको आप जरूर याद कर लें, एक बार जरूर याद रख लें, ठीक है। पहला इंडिया से कौन सी थी? अजंता एलोरा केव और आगरा की किला। जबकि पहली नेचुरल साइट कौन सी थी? पहली नेचुरल हेरिटेज साइट कौन सी थी, नेचुरल यूनेस्को साइट कौन सी थी? वो थी काजीरंगा नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपकी पहली नेचुरल साइट थी जो आपकी यूनेस्को ने ऐड की थी। सब याद है क्या? बात है, बोकाल है तुम्हारा फिर तो। जाओ पेपर दो जाके, घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए। आहा, कुछ लोगों को तो मजा ही आ जाएगी जो भांग खाने वाले होंगे कि भैया भांग खाओ, खूब खाओ, और इवन 4 पौधा भी लगा लो घर में, मतलब रोज रोज एक पत्ती तोड़ के खाओ भांग की। भारत में भांग की खेती वैध नहीं है, लेकिन औषधीय उपयोग के लिए भारत में भांग की खेती की जाती है, और उसी औषधीय उपयोग से भांग निकल निकल कर लोगों के घरों में आ जाती है। भारत में आप भांग रखेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, लाइसेंस के साथ अगर आप भांग बेचेंगे तो आपको कोई जुर्माना नहीं होगा। भारत में भांग की खेती को वैध बनाने वाला जो पहला राज्य था वो हिमाचल प्रदेश था, जबकि विश्व में अगर देखा जाए भांग की खेती को अपने यहाँ वैध बनाने वाला जो पहला देश था वो लेबनान था। अब हाल फिलहाल यहां पर माल्टा ने भी भांग की खेती को वैध कर दिया है। माल्टा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला ने बड़ा ही अलबेला डिसीजन ले लिया है कि भाई उन्होंने भांग की खेती को वैध कर दिया। भाई साहब कुछ नहीं मिला तो भांग की खेती को वैध कर दिया। जब उनसे पूछा गया भाई भांग की खेती को आपने क्यों वैध कर दिया, तो उन्होंने कहा भैया देश जो है वो गरीबी से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम भांग की खेती को एक एक्सपोर्ट का जरिया बनाएंगे, क्योंकि कई देशों में भांग की खेती वैध नहीं है और लोग यहां पे कर पाएंगे। कुल मिला के उन्होंने सस्ता नशा जो है वो लोगों को पकड़ा दिया है। अब लोग इस सस्ते नशे के नशे में झूमेंगे और रॉबर्ट अलबिला को वोट दे देंगे। वोट के लिए आदमी देखो क्या क्या नहीं करता है। माल्टा के घर पर आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती कर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के हैं तो आप 7 ग्राम तक का भांग ले सकते हैं, मतलब अपने जेब में रख सकते हैं। 7 ग्राम एक बार में रख सकते हैं, 7 ग्राम फांक लो, फिर उसके बाद 7 ग्राम फिर रख लो, तो दिन भर में आप चाहे 14 ग्राम खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर पर 4 पौधे तक उगाने की अनुमति होगी।
सार्वजनिक रूप से अगर आपने भांग सेवन किया तो 235 यूरो का जुर्माना भी लगेगा। बहुत बढ़िया। और बच्चों के सामने आप ड्रग का सेवन नहीं कर सकते। तो दो बातें याद रखिएगा, भांग की खेती को वैध करने वाला भारत के अंदर जो पहला राज्य था वो था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भले ही कम न्यूज कराओ, 7 बजे ही रखो। ये अपना देखो, ये अलग ही अब दाग ला पड़ा। इतना माफीनामा तुम्हारे सामने आपका पोस्टर छपवा दे कि 7 बजे क्लास क्यों नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा याद रखना, लेबनान विश्व का पहला देश है जिसे भांग की खेती को अपने यहां वैध किया था। भारत में वैसे भांग की खेती वैध नहीं है। देखो एक पॉइंट में बताना जा रहा था, भूल गया, कमेंट पे तो ध्यान ही देना बेकार है। माल्टा, माल्टा की राजधानी वालेटा। माल्टा कौन सा यूरोपियन कंट्री है, माल्टा की राजधानी वालेटा, मुद्रा चलती है यूरो, और ये है रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला यानी कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हींग दालचीनी जो है ये हिमाचल में ही होती है। ठीक, प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। शशि थरूर की किताबें आपने पढ़ी हैं? मैंने नहीं पढ़ी, मेरा मन ही नहीं किया कभी शशि थरूर की किताबें पढ़ने का। पता नहीं, कभी कभी किसी आदमी ने कुछ नहीं बिगाड़ा होता फिर भी मन नहीं करता। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की 23वीं पुस्तक प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित्री को हैदराबाद तेलंगाना विमोचन किया गया है। उन्हें 2019 के साहित्य अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया था एंड एरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक कम से कम एसएससी ने 10वीं बार पूछी है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक किसकी है, शशि थरूर की है। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, अब ये कल मैंने आपको पूरी पुस्तकें एक बार बता दी थी, ये सारी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। कहिए तो हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ये आप देख लेना, मैंने कल भी डिस्कस किया है अगर आपने नहीं देखा। अच्छा, एक पुस्तक और कल वाली डिस्कस कर लेते हैं भाई। कल एक पुस्तक आई थी राज कपूर, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसका विमोचन किसने किया, वेंकैया नायडू ने। ये पुस्तक लिखी किसने थी, ये पुस्तक लिखी थी राहुल रवल ने। ये पुस्तक किसने लिखी थी, राहुल रवल ने। अच्छा, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी द स्ट्रेंजर इन मिरर, द स्ट्रेंजर इन मिरर। ये पुस्तक किसकी है ये बता दो मुझे, बिलीव किसकी है, तुम लोग कहना ही चाहते हो बिलीव बता दो। द प्रॉमिस किसकी है, एट नाइट All blood is black की, all at night all blood is black किसकी है। मेरे करंट अफेयर से तुम्हारा कुछ मजबूत हो ना हो, पुस्तकें तुम्हारी मजबूत हो जाएंगी। At night all blood is black किसकी है। प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है, प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है। अनफिनिश्ड किसकी है, अनफिनिश्ड ये किसकी है। तो भाई देखो, तुमको सारी याद है तब बता रहे हो, मुझे पता है। द स्ट्रेंजर इन मिरर है ओम प्रकाश मेहरा की, ये रंग दे बसंती वाला, उमोय रंग दे बसंती है। बिलीव किसकी है, ये सुरेश रैना की है। ये किसकी है, सुरेश रैना, मेरा रहना, तुम्हारा रहना, हम सबका रहना। द प्रॉमिस डायमंड गलगुट की, बुकर प्राइज मिला डायमंड गलगुट की, डायमंड गलगुट की। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप की, बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर खान, करीना कपूर खान। अनफिनिश्ड पीसी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शेयर करो भाई, 100 तो हो जाने चाहिए, अब नहीं होने चाहिए, अब बताओ भाई। कंटेंट में कहीं कमी हो तो बताओ, कंटेंट में कहीं कमी हो तो बताओ। ठीक है, जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कौन स्थापित करेगा। जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोग्रिड परियोजना हम स्थापित करेंगे, भारत करने वाला है। भारत बहुत तेजी से जो है वो कदम बढ़ा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो आपको 2-3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहां लगने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, रिफ्यूलिंग स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर जाएंगे और हाइड्रोजन को रिफ्यूल कर पाएंगे, यहां पर रिफ्यूल सेल बनेंगे। तो ये बनेगा लद्दाख में, ये कहां पर बनेगा, लद्दाख में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर लगाई जाएगी, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर लगाई जा रही है, ये आपकी लगाई जा रही है मथुरा रिफाइनरी में। कहां पर लगाई जा रही है, मथुरा रिफाइनरी में, यूपी में। ये लगा रहा है IUCL और ये लगा रहा है NTPC। इसके अलावा देश में लिथियम रिफाइनरी, सॉरी लिथियम बैटरी फैक्ट्री कहां लगाई जा रही है, लिथियम रिफाइनरी कहां लगाई जा रही है, लिथियम बैटरी के लिए जो रिफाइनरी होती है वो आपकी कहां पर लगाई जा रही है बताइए। लिथियम रिफाइनरी तो आप सभी को याद होना चाहिए। बोलो बागे बिहारी लाल की जय। शेयर कराओ भाई साहब, शेयर कराओ, बहुत गलत बात है शेयर नहीं करते हो तुम लोग।
100 हो गया, कहां होगा? मथुरा में बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। देखो रिफ्यूल सेल हमारे पास आ जाएंगे, उन रिफ्यूल सेल को यहां पर प्रयोग करके कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए फ्यूल सेल की आवश्यकता होती है। उन फ्यूल सेल का प्रोडक्शन लद्दाख में होगा, एनटीपीसी करेगी। वो फ्यूल सेल बन जाएंगे, वो एक अपरेटस की तरीके, एक रॉ मटेरियल की तरीके मथुरा रिफाइनरी में प्रयोग किए जाएंगे जहां पर बनेगा। ठीक है, बताओ, बहुत बढ़िया। ठीक, ये बताओ ये आपका कहां पर बन रहा है? लिथियम रिफाइनरी वाली फैक्ट्री कहां पर बन रही है? इसको याद रखिएगा, गुजरात में लग रही है। ये कहां पर लग रही है? गुजरात में लग रही है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगा। कहां करेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये करेगा सिमहाद्री में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। सब एक ही जगह है, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य, विशाखापट्टनम शहर है, सिमहाद्री स्थान है। इसकी स्थापना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी। सर, एनटीपीसी द्वारा, जी हां, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन थर्मल पावर कंपनी है। इसका इसका स्थापना 1975 में हुआ था। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन जो है वो है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह कौन है? वो आपके एनटीपीसी के चेयरमैन है। जानकारी समझ में आई, ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहां होगी। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू हो गया है। ये कहां पर है? तेलंगाना के रामागुंडम में, 100 मेगावाट का है। और एनटीपीसी ही मध्य प्रदेश में नर्मदा ओंकारेश्वर बांध में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बना रही है। कहां पर? नर्मदा ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, गुरदीप सिंह, 1975, एनटीपीसी। इतना क्लियर है। किस राज्य के अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यही पूछा जाएगा, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, याद रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड में है। सर, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? इतना इसका मतलब यह है कि यहां आप किसी तरीके का कूड़ा नहीं जला पाओगे, यहां आप किसी तरह की गंदगी नहीं फैला पाओगे। गंदगी फैलाओगे तो बहुत मारे जाओगे, तो कुल मिला के फाइन आपके ऊपर लगेगा। ये अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो है, इसे कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहा जाता है, मस्क डियर अभयारण्य भी इसको कहा जाता है। ये कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ये कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। और अभी हाल ही में इसे अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ये 0 से लेकर 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके दौरान अगर आपने कोई भी प्रदूषण वाली चीजें की, जैसे कि आप मान लीजिए गाड़ी में खूब धुआं है, आप यहां पर व्हीकल भी नहीं चला पाएंगे बगैर परमिशन के। तो ये आपका कहां पर है? पिथौरागढ़ में है, इसको याद रखना। अच्छा, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? बताइए, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? बताइए, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में आपके 53 हो गए हैं, 53 हो गए हैं। और भारत में याद रखिएगा कुल 104 नेशनल पार्क है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलो। सरकार ने किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? मां उमिया धाम, अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो गुरमीत सिंह है। बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री है। सरकार ने किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना का आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मां उमिया धाम अहमदाबाद में ये विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। तो इतना ही याद रखिए कि ये कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद 16 में उमिया परिसर में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात अभी हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा। गुजरात ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। जो भी NRI गुजराती है वो पैसा देंगे गुजरात को, ताकि यहां की योजनाओं में लगाया जा सके। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय की स्थापना ये गुजरात में की जा रही है पुर्तगाल के सहयोग से। एनटीपीसी ने कहा कि गुजरात के कच्छ के रन में हम लगाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा 4.75 गीगावाट कैपेसिटी वाला सोलर पावर प्लांट। पहला शिपमेंट जिसको GI टैग प्रदान किया गया, भालिया नाम का एक गेहूं है, ये GI टैग प्रदान करके इस वीट को एक्सपोर्ट किया गया था केनिया और श्रीलंका में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पे जाना गया। गुजरात ने क्या किया था? ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया था। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स लॉन्च किया, जिसमें गुजरात ने टॉप किया। वर्ल्ड गुजराती डे हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, गुजरात की कैपिटल जो है वो गांधीनगर है। CM भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है,
फ्लावर मैरीगोल्ड है, फ्रूट मैंगो है, एशियाटिक लाइन स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है, स्टेट ट्री बनियान है, कटरी है, डांस भावाई, डांडिया, गरबा, टिप्पानी प्रमुख डांस फॉर्म है, गिर, वेलवादर और वसंदा प्रमुख नेशनल पार्क है। 1 मई 1960 को गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट आपको गुजरात में मिलेंगे। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर को देश को एक अभूतपूर्व क्षति हासिल हुई। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सेना के एकीकरण के रूप में कार्य कर रहे थे, जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ देहावसान हो गया था। जनरल बिपिन रावत देश में सेना के ऊपर कई रिफॉर्म्स पे काम कर रहे थे। 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, इसको याद से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट वो ये कर रहे थे कि तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि देश में कम से कम 17 थिएटर कमांड होनी चाहिए। 17 थिएटर कमांड उनकी सिफारिश थी। कारगिल युद्ध के दौरान देखा गया था कि सेना को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। आपने मूवी में भी देखा होगा कि उसमें दिखाया गया कि परमिशन नहीं मिल रही है, वो अपना हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पा रहे, तो इस तरीके की बड़ी सारी चीजें होती थी कि थल सेना को हेलीकॉप्टर की जरूरत है लेकिन वायुसेना नहीं आ पा रही है। तो इस सारे सामंजस्य को लेकर के हमारे बिपिन रावत जी काम कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता था जो इन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाए। शायद सरकार को अभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है। ऐसे में पुरानी एक पद्धति चली आ रही थी जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होता था। ऐसे में तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, जैसे मनोज मुकुंद नरवाने हैं, आपके विवेक राम चौधरी हैं वायुसेना अध्यक्ष इस समय, और आपके नौसेना अध्यक्ष जो आर हरि कुमार है, इनमें से तीनों में देखा जाए तो तीनों में वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। क्यों? क्योंकि आपके विवेक राम चौधरी जी ने 31 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया, 30 सितंबर को वो रिटायर हुए थे, और 30 नवंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है आर हरि कुमार ने। लेकिन मनोज मुकुंद नरवाने काफी पहले ही पदभार ग्रहण कर चुके थे, ऐसे में वो वरिष्ठ है, इसलिए उनको पुरानी कमेटी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये एक ऐसा पद है जो जिम्मेदार होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के तरीके ही, लेकिन इसके पास पावर थोड़ी सी कम रहती है, यानी कि ये सरकार को सलाह नहीं दे सकते हैं। इनका मेन मोटिव ये होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है युद्ध की तो तीनों सेनाओं के ये स्टाफ कमेटी के हेड होंगे, यानी तीनों सेनाओं को यही गाइड करेंगे। लेकिन ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं है। जब तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं आ जाता तब तक ये पुराना वाला पद जिसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता था, पहले जमाने में कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, कमांडर चीफ का पद हट गया, फिर तीनों सेनाओं में अलग अलग प्रमुख आ गए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आपके आर्मी स्टाफ। अब उनके ऊपर एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई गई थी कि बाई चांस मान लो कभी कुछ हो जाए तो वो कमेटी का जो हेड होगा वो सभी को गाइड करेगा। तो इस टाइम मनोज मुकुंद नरवाने जी जो है उनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो शामिल होंगे। इन तीनों सेनाओं के जो हेड हो गए वो एक तरह से आपके चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हो। ठीक है, तो अब बारी है आज के वन लाइनर की। भारत में विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल की गई कोलकाता की। घर 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 पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा है? माल्टा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पारस्परिक कानून सहायता की संधि को मंजूरी दी है? वो है पोलैंड। ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इसको स्किप किया है। प्राइड प्रेजुडाइज पंडित्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर। जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कौन स्थापित करने वाला है? भारत। किस अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यान ने सूर्य को पहली बार छुआ है? नासा के पार्कर प्रोब ने। किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा रहा है? वो है उत्तराखंड। और किस देश ने टेदर नामी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दी है? वो है म्यांमार। भारत सरकार ने किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी? गुजरात। सेना प्रमुख जनरल ने चीफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण किया है? वो है MM नरवाने। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बता चुका हूं 14 दिसंबर, कल परसों के करंट अफेयर्स में करा चुका हूं। ठीक है, अब बताइए नेवर एवर बैक डाउन आपका क्या कमेंट था? मजा आया ये सेशन में? नहीं आया? तुम लोग कमेंट ना करो ना तो मैं बहुत बढ़िया से करंट अफेयर पढ़ाऊं, मतलब एक ही चीज को एकदम कायदे से समझा दूं। स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है, हाँ जी, उसमें जाना सब लोग। शीतल मैम पढ़ा रही है, देखो हम लोग सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं,
कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। सब प्रतिष्ठित आदमी है, सब पढ़े लिखे आदमी है, सबको पता है कि सिलेक्शन कराना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कंपनी नई होती है वो ज्यादा मेहनत से पढ़ाती है, होता है कि नहीं होता? तो हम लोग सब ज्यादा मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, बताएं बताएं। नहीं, 65 प्लस एज नहीं चाहिए, 65 साल की उम्र तक का व्यक्ति बनाया जा सकता था, है ना? 65 प्लस एज नहीं चाहिए। कहां गया नेवर एवर बैक डाउन? तुम्हारे कमेंट के लिए रुका हूं मैं। सिलेक्शन करें, अरे तुम्हारा होगा लाल बाबू, नाम तुम्हारा इतना बढ़िया है, जरूर होगा। चलें, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको रीजनिंग बाय राहुल मिशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाय।